नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये चीज पूछ रहा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले प्रश्न को आप क्या करेंगे, समझेंगे प्रश्न क्या कह रहा है और सॉल्व कैसे करना है। मैथ के प्रश्न को पहले समझना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न ये कह रहा है, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूं। 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव है, और उससे क्या करता है दोस्तों, एक दुकानदार क्या करता है, 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। पहले 10% की छूट मिला, फिर जो रुपया हुआ उस पर क्या हुआ, 15% की छूट मिला। यानी क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है, पहले यानी दोनों को जोड़ नहीं देंगे, 15-10-25% का छूट नहीं डायरेक्ट देंगे, नहीं, पहले 10% का छूट देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, 15% का छूट देंगे। ठीक है, दो छूट के बाद खरीदता है और क्या करता है दोस्तों, 35 रुपये उसमें पैक करवाने में खर्च कर देता है, और उसके बाद क्या करता है दोस्तों, 1000 रुपये में इसे बेच देता है। तो पूछ रहे उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे दोस्तों क्रमिक छूट के बाद कितना रुपए में ये खरीदा है, उसके बाद से दोस्तों 35 रुपए जोड़ देंगे, कितना इस पे टोटल खर्च आया। ठीक है, तो देखिए क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, देखिएगा ये क्या है दोस्तों, दुकानदार 1000 रुपए अंकित मूल्य वाला पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है, तो कितने रुपए उसका मूल्य है दोस्तों, अंकित मूल्य 1000 रुपये। ठीक है, 1000 है, और क्रमिक छूट कितना दिया गया है दोस्तों, 10%। 10% छूट को कैसे लिखा जाता है, 100 से घटा के, यानी कि 90/100। ठीक है, फिर एक और इस पे छूट मिला है, इसे भी गुणे कर देंगे, 15%। 15% को छूट को क्या लिखेंगे, 100 से घटा के, यानी इसे क्या हो जाएगा दोस्तों, 85/100। ठीक है, ये क्रमिक छूट हो गया। अब देखेंगे क्रमिक छूट के बाद इसका मूल्य क्या आ रहा है। देखिएगा, दो जीरो है ना, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे दो और जीरो है, ऊपर भी दो जीरो है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 85 × 9 करेंगे तो 9 × 5 = 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4 × 9 = 8 = 72, 72 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 76। 765 रुपये में ये क्या है दोस्तों, छूट के बाद खरीदा है। इतना क्लियर है आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 10% और 15% की छूट के बाद खरीदा है कितने रुपए में दोस्तों, 765 रुपए में। और देखिएगा, अब 35 रुपए इस पे पैक करवाने में भी खर्च किया है। ठीक है, तो 35 रुपए ये भी जोड़ लेंगे, अब कितना हो गया दोस्तों, 35 जोड़ देंगे तो 765 और 35 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपए टोटल खर्च क्या आया दोस्तों, दुकानदार का उस वस्तु पे 800 रुपए। ये नहीं कहेंगे 735 रुपए क्रय मूल्य, नहीं, 765 ये जो है ना, ये इसे क्रय मूल्य नहीं करेंगे, इस पे खर्च भी तो 35 रुपए किया है, ये भी क्या आएगा दोस्तों, ये लागत मूल्य में आ जाएगा। लागत मूल्य टोटल कितना हो गया दोस्तों, 765 में खरीदा, 35 रुपए खर्च किया, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपए, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपए। और बेच कितने में रहा है दोस्तों, 1000 में बेच रहा है। देखिएगा, अभी फिर से समझाता हूं, कितना रुपए क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, 800 रुपए, 765 और 35 रुपए, ये चीज टोटल कितना हो गया, 800, और इसे बेच कितने में रहा है दोस्तों, 1000 में बेच रहा है, तो लाभ इसे कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों, कोई आप ही समझिए, आप समझिएगा, मतलब आप देखिए क्या करेंगे, 800 रुपए में कोई वस्तु खरीदेंगे और 1000 में बेचेंगे, तो आपको लाभ कितने रुपए का होगा, 200 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, 200 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पे, 800 रुपए पे। ठीक है, देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यहां पूछ रहे, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 200 रुपए का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, उसका 800 रुपए, 200 बटा में 800 और गुणे 100 कर देंगे, ये क्या प्रतिशत के लिए, तो ये 2 चौक को क्या हो जाएगा, 800, और 4 से 100 कटेगा 25, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, 25%। तो उसका
लाभ प्रतिशत क्या होगा 25%। और 25% देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या किया जाता है दोस्तों, जो क्रमिक छूट देता है उसे निकाल लेंगे कितना रुपए हुआ, फिर कितना रुपए इस पे खर्च किया दोस्तों 35 रुपए ये पैक करवाने में खर्च किया है, ठीक है। और कितने रुपए में बेच दिया है 1000 में, टोटल खर्च आया था दोस्तों उसका 800 रुपए, बेचा कितने में है दोस्तों 1000 में। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया दोस्तों 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और हमेशा इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है पी और क्यू की गति का अनुपात 2:3 है, 3 घंटों में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पी की गति कितनी है। पी की गति पूछ रहे हैं यानी पी की चाल पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे कहा है पी और क्यू की गति का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, और कह रहा है 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्यू क्या करता है दोस्तों, ये जो क्यू है दोस्तों ये क्या करता है, 3 घंटे में कितना दूरी तय करता है 360 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, इसकी चाल निकालेंगे पहले, क्यू की चाल कितनी है ये चीज आप निकालेंगे, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी 360 किलोमीटर चला है कितने घंटों में, 3 घंटों में। तो 360 को 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 3 × 3 × 6 120 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 किलोमीटर प्रति आवर इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल हो जाएगी। किसकी चाल होगी दोस्तों, क्यू की चाल होगी, ठीक है। क्यू की चाल क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। लेकिन यहां देखिएगा दोस्तों, पी और क्यू की गति का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 2:3 दिया है। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, ये 3:3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120, ठीक है। 3:3 बराबर 120 किलोमीटर प्रति आवर, तो 1:3 बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 3:3 बराबर 120, तो 1:3 बराबर क्या होगा, 120 को 3 से भाग कर देंगे यानी 3 × 4 = 12, 40 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गति। अभी आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति आवर आया और यहाँ पे क्या आया दोस्तों, 40 किलोमीटर, नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, पी और क्यू की गति का अनुपात है, बस यहाँ देखिएगा ये जो अनुपात दिया है हम उस पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये 3:3 बराबर 120 आया, तो 1:3 बराबर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, पी की गति पूछ रहा है, तो पी की गति का अनुपात क्या है, 2। 3:3 बराबर 120, 1:3 बराबर 40, तो 2:3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पी की गति हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना किया हूं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 3 घंटे में 360 चल रहा है, तो 1 घंटे में क्या चलेगा, 120, और यही 3:3 बराबर दोस्तों 120 है, तो 2:3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1:3 की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो 3:3 बराबर 120, तो 1:3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो 2:3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर
के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपये मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप लेंगे कहाँ से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप लेके एक बार दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर के कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, उसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए दोस्तों आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ना फॉर्मूला के बारे में सोचने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आए तो इसके लिए ना पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है, सेकेंडों में सॉल्व होता है क्वेश्चन। बस क्या करना है आपको, समझना है क्वेश्चन और देखना है कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिएगा समझिएगा कैसे सॉल्व होता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन जब अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी क्या करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमसे जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं। और डेली दोस्तों मैं आपको 8 PM पे वीडियोस देता हूं, यानी 8 PM पे आपको डेली वीडियो मिलती है शाम 8 बजे, तो 8 PM तो आपको दोस्तों समय याद ही रहेगा। और डेली दोस्तों आप देखा करिए, मेरी वीडियो 15 से 20 मिनट की होती है, लेकिन काफी आपके लिए मददगार होती है, हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो डेली आप पढ़ा करिए, ठीक है। आप जब एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी देंगे, जब पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और आप सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे इन सब प्रश्नों को, ठीक है। तो डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। क्वेश्चन समझिए एक बार, ठीक है, क्वेश्चन और समझिए, अच्छे समझिए। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, तो पूछ रहा है तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला कुछ नहीं रखना है, डायरेक्ट सॉल्व होगा। देखिएगा मान लेंगे वो धनराशि यानी मूलधन क्या है दोस्तों, 100 रुपए है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 6 वर्ष के बाद मूलधन के 30% के बराबर हो, मूलधन के 30, ये मूलधन 100 रुपए है, इसका 30% क्या होगा दोस्तों, 30 रुपए के बराबर हो जाएगा। इसका जो साधारण ब्याज होगा मूलधन के 30% के बराबर हो जाएगा, यानी 100 का 30% क्या होगा, 30 रुपए। कितने वर्षों के बाद दोस्तों हो रहा है, कितने वर्षों में, 6 वर्ष के, ठीक है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपए है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों, 6 वर्ष में 30 रुपए, तो 1 वर्ष में क्या, 30 को 6 से भाग कर देंगे, 6 × 5 = 30, 5 रुपए, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, दर का प्रतिशत क्या आएगा, 5%, 5%। दर क्या आएगा दोस्तों, आर बराबर, ये जो समझिएगा, आर न समझिए बस दर समझिए, कितना परसेंट है, 5%, दर यही ना है, तभी तो 6 वर्ष में 30 रुपए हो जाएगा, और मूलधन क्या है दोस्तों आपका, 100 रुपए। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा बताइए। अगर जो दर दोस्तों आपकी 5% हो, यानी 5 रुपए प्रति साल आपको मिल रहा हो, तो कितने वर्ष में यह मूलधन 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। 1 साल में 5 रुपए मिल रहा है, तो 100 रुपए कितने साल में हो जाएगा, क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग कर लेंगे, तो 100 को 5 से भाग करेंगे तो 20 × 25 = 100 हो जाएगा, यानी 20 वर्षों में क्या होगा दोस्तों, ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 20 साल में। तो 20 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है दोस्तों, मूलधन मान लेना है 100 रुपए, और ये हो रहा क्या रहा है दोस्तों, 6 वर्षों में मूलधन के 30%, यानी कि मूलधन जो 100 रुपए, इसका 30% 30 के बराबर हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका दर क्या होगा, 6 वर्ष में 30 रुपए, तो 1 वर्ष में क्या होगा, 5 रुपए, यानी 5% इसका दर हो जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है तो कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष में 5 रुपए, तो कितने वर्ष में 100 रुपए हो जाएगा, 20 × 25 = 100, यानी 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। 20 वर्ष किस ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं, बिना पेन उठाए बिना फॉर्मूले के इस टाइप के प्रश्नों को आप सोल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो मैथ में आपको किसी अन्य चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे उसे भी मैं करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करके आप जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे और भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहां पर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहां पर प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्तों चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा, दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।